हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ सस्मिता मिश्रा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट चेक पॉइंट 2.5। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेक पॉइंट 2.6। नंबर वन, एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम। कहा है एस्टिमेट, उसका एस्टिमेट सम निकालना है राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम भी निकालना है और एस्टिमेट सम भी हमें निकालना है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एस्टिमेट सम इन आवर प्रीवियस क्लास फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर। सो नंबर वन, 21,756 प्लस 34,522। एक्चुअल सम राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10। एस्टिमेटेड सम 21,756 प्लस 34,522। तो ये हमारा एक्चुअल सम भी निकालना है और उसका एस्टिमेटेड सम भी निकालना है। तो एस्टिमेटेड सम नियरेस्ट 100 निकालना है हमें। तो 21,756 का नियरेस्ट 100 कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 10 की जगह का देखेंगे। अगर 0 to 4 होता है तो यहाँ पे कितना होगा, 700 हो जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 या 5 से ऊपर होता है तो ये हो जाएगा 800। तो यहाँ पे हमारा नियरेस्ट 100 कितना होगा, 21,800। 34,522 का कितना होगा, 34,500। अब इसको प्लस करेंगे, 6 + 2 = 8, 5 + 2 = 7, 7 + 5 = 12, 2 1 हम कैरी करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 6 4 6, 2 + 3 = 5। अब यहाँ का एस्टिमेट सम करेंगे, 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 8 + 5 = 13, 3 यहाँ पे 1 हम कैरी करेंगे, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 2 + 5 = 5। तो यहाँ पे मैंने ए नंबर कर दिया है, बाकी आप तीनों खुद करेंगे। अब आते हैं नंबर टू पे, एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 1000। हमें सिर्फ एस्टिमेट सम निकालना है, कितना, टू द नियरेस्ट 1000 करके। सिक्स लैक्स 87,578, नियरेस्ट 1000 कितना होगा, 6,88,000 होगा। अब 7,65,876 का नियरेस्ट 1000 कितना होगा, 7,66,000। 6,87,578 का 6,88,000 एंड 7,65,878 का नियरेस्ट 1000 होगा, 7,66,000। अभी हमें सिर्फ एक्चुअल सम नहीं निकालना है, हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है। अब एस्टिमेटेड सम करने के लिए हमें प्लस करेंगे, 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 8 + 6 = 14, 4 1 कैरी करेंगे, 8 + 6 = 14, 14 + 1 = 15, 1 हम कैरी करेंगे, 6 + 1 = 7, 7 + 7 = 14। मैंने एक नंबर कर दिया, ए नंबर कर दिया है, बाकी तीनों आप खुद करेंगे। अब आते हैं नंबर थ्री पे, एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। तो हमने यहाँ पे सम किया, यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे, एस्टिमेट सम डिफरेंस।
बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10। तो ए मैं कर दूंगी, बाकी सारे आप खुद करेंगे। देखते हैं 43,654 राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 कितना होगा। 43,650, 10 नियरेस्ट 10 के लिए हमें 1 देखेंगे हम, और यहाँ पे कितना होगा 650। तो 3,653 का 3,650। अभी हमें इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4 का हम यहाँ लिखेंगे तो कितना होगा 40,000। अब आते हैं नंबर 4 पे, एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। तो यहाँ पे हम नियरेस्ट 100 करके उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो ए नंबर मैं कर दूंगी, बाकी आप तीनों खुद करेंगे। यहाँ पे है 83,654 राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 इक्वल टू कितना होगा 83,700। 60,653 राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 इक्वल टू 60,700। अब इसको हम माइनस करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, 6 माइनस 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। हमारा आंसर आया 23,000। तो ये हमारा नंबर 4 कंप्लीट। नंबर 5, मिस्टर जोशी हैड 34,570, सी बॉट ड्रेसेस फॉर 18,875 एंड हैंड बैग्स फॉर 12,738। द कैशियर गेव हर 2,957 इन चेंज। यूज एस्टिमेशन टू चेक इफ मिस्टर जोशी रिसीव्ड द करेक्ट अमाउंट ऑफ चेंज बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1,000। मिसेस जोशी हैज 34,570, शी बॉट ड्रेसेस फॉर 18,875 एंड हैंडबैग फॉर 12,738। टोटल अमाउंट सी स्पेंड, टोटल कितने हुए, टोटल स्पेंड किया 31,613। अब हमें एस्टिमेट करना है। यूज एस्टिमेशन टू चेक द करेक्ट अमाउंट ऑफ चेंज बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1,000। ना नियरेस्ट 1,000 के लिए हम क्या करेंगे, उनके पास था मिस्टर जोशी हैड 34,570, नियरेस्ट 1,000 कितना होगा 35,000। सी स्पेंड 31,613, उसका नियरेस्ट 1,000 कितना होगा 32,000। अब हम इसको इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 3,000 एंड यहाँ पे है राइट, जितना उन्होंने फिर मतलब उन्होंने लौटाया था। मिस्टर जोशी रिसीव द करेक्ट अमाउंट ऑफ चेंज। देर आर 63,552 काउज एंड 40,634 बफालोज इन डिस्ट्रिक्ट। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ कैटल इन द डिस्ट्रिक्ट बाय राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 100। देर आर 63,452 काउज, 40,634 बफालोज। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ कैटल बाय राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 100। 63,452 नियरेस्ट 100 होगा 63,500 एंड 40,634 नियरेस्ट 100 होगा 40,600। अब हमें इसको प्लस करना है, प्लस करने से हमारा आंसर आया कितना आया 1,04,100। टोटल नंबर ऑफ कैटल आर 1,04,100 इन द डिस्ट्रिक्ट। नंबर 7, 56,075 चिल्ड्रन विजिटेड ए जू इन सेप्टेम्बर। 72,345 चिल्ड्रन विजिटेड द सेम जू इन द अक्टूबर। एस्टिमेट हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन विजिटेड द जू इन अक्टूबर बाय राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट 1,000।
76,075 children visited zoo in September. 72,345 children visited the same zoo in the October. Estimate by rounding off to the nearest 1,000. So 72,345 nearest 1,000 कितना होगा 72,000 एंड 56,075 का 56,000 माइनस हम डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस होता है 16,000 16 मोर चिल्ड्रन विजिटेड द जू इन अक्टूबर ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 45,630 एक्शन फिगर एंड 63,782 डॉल्स एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग अप टू द of the numbers to the nearest 1,000. Which one is in more demand, dolls or action figure? A factory produce 45,630 action figure, 63,782 dolls. Estimate the difference by rounding off to the nearest 1,000. So 63,782 ka 64,000 hoga, 45,630 ka 46,000 hoga. अब इसको हम डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस निकालने के बाद हमारा होता है 18,000 द डिफरेंस बाय राउंडिंग अप टू द नंबर्स टू द नियरेस्ट 1,000 इज 18,000 सो आज हमने चेक पॉइंट 2.6 का कंप्लीट कर लिया है. अब आते हैं टेस्ट योरसेल्फ पे. टेस्ट योरसेल्फ का आप लोग खुद करेंगे क्योंकि चैप्टर में जो जो हम लोगों ने पढ़ा है चेक पॉइंट 2.1 से लेकर 2.6 तक यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर हैं और यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन आंसर का खुद करेंगे. कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू. ये आपका होमवर्क है.